पंजाब की मौजूदा सरकार एक तरफ बड़े बड़े वादे कर रही है कि पंजाब में कहीं पर भी कोई रेलवे फाटक नहीं है। इसी हकीकत को जानने के लिए नेशनल बस की टीम ने एक दौरा किया कि पंजाब में कितने और कहां कहां पर रेलवे ओवरब्रिज बने हुए हैं। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पंजाब सरकार के दावे केवल दावे ही बने हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि इन फाटकों के कारण लोगों को कई घंटों तक जाम में फंसे रहना पड़ता है, जिसके कारण वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। नेशनल बस के फाउंडर रमीक मोंगिया ने रेलवे कर्मियों और रेलवे फाटक के पास रहने और व्यवसाय करने वालों से खास बातचीत की, जिसमें सारा सच निकल कर सामने आ गया। जिन्हां दी दुकाना जिन्हां दा कारोबार ये फाटक के आस पास है और ये हैगे ने जिहड़ा कि फाटक बंद करन दा काम करते हैं रेलवे इंपलॉई ने, असी लोगों नूं पुछदे हां भी इत्थे की दिक्कत आंदियां ने और किन्नी किन्नी देर फाटक बंद रहिंदा। ट्रैफिक जिहड़ी बहुत हो जांदी, 2-2.5 घंटे लग जांदे जी, जे प्लेन होणो रश निकलन बहुत दुनिया तो बहुत परेशान होंगी है। जो फ्लाईओवर ही बन जाए तो बहुत वधिया गल, माड़ी गल नहीं हैगी। जिस वेले असीं फाटक बंद करते हैं ना जी, जिहड़ा जिस तरह हुण बस जिदा जिदा साडा अपना फाटक नीचे आ रहा और ड्राइवर बड़ी स्पीड दे नाल आ रहा, कई बार तो साडा फाटक ही तोड़ जाता जी, तो फिर तोड़ के इन्ना इत्थे ट्रैफिक आ एक दूजे के सिर 'च जा किसी की गड्डी दे विच लगन दे बहुत ज़्यादा चांस आ जी। एक दो बार चांस इस तरह के होए भी आ, पर यह कोई जानी नुकसान नहीं होया। रश बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, हद तो ज़्यादा जी। ये जिवें लोगों ने गल इत्थे साडे दसी है, वह दस रहे हैं भी इत्थे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और इत्थे फ्लाईओवर बनना चाहिए, आर ओ बी बनना चाहिए, रेलवे ओवरब्रिज बनना चाहिए, पर पंजाब सरकार ये गल कह रही है कि पंजाब दे विच कोई भी ऐसा रेलवे फाटक नहीं है जिथे रेलवे ओवरब्रिज ना बनया होवे। लेकिन पंजाब सरकार दे दावे और सच्चाई तुसी आप देख सकते हो, तुसी आप सियाणे हो, आप फैसला कर सकते हो भी कहना की और करना की। असी इस वेले खड़े हाँ हुशियारपुर शहर दे विच और साढ़े पिछे तुसी देख सकते हो एक रेलवे फाटक है जिहड़ा कि दिन विच 5-6 दफ़ा बंद हुंदा है। असी इत्थे आस पास दे लोकां नाल गल कीती है, उन्होंने कहा 5-6 दफ़ा बंद हुंदा है, तो उन्हां तों पुछदे हां भी इत्थे किन्नी देर लई बंद हुंदा है, किन्ने दफ़ा बंद हुंदा है यह फाटक, पा उन्हां कोलों पुछदे हां। तकरीबन जी 5-6 एक वारी तां हो ही जांदा है। हांजी, तो जदों इह बंद हुंदा है तो जाम किन्ना क लंबा लगता है, किन्नी देर लगती है उन्हूं क्लीयर होण नूं? तकरीबन 15-20 मिनट लग जांदे जी। देखो जी, सुण च तां आ रहा कई वारी कि मतलब ब्रिज बनेगा इत्थे, कई सालां तों ही हो रहा ते हजे तक तो मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई। तुसी देख सकते हो कि लोग ये गल कह रहे हैं भी सुनन च आ रहा है और वो सुन रहे हैं बहुत सालों तो कि इतने आर ओ भी बनेगा, रेलवे ओवरब्रिज बनेगा, लेकिन हले तक कोई बनया नहीं है। और उन्होंने कहना है कि जो भी फाटक बंद होंगे 15-20 मिनट, कई दफ़ा ज़्यादा भी टाइम लग जाता है ये जो फाटक बंद होंगे। तुसी खुद सोच सकते हो भी पंजाब सरकार एक पासे कह रही है कि कोई भी नैशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के उपर आर ओ बी बन गए ने सारे और कोई भी रेलवे फाटक बचा नहीं है और थोड़े अखों के सामने है। एक असी इस तरह गढ़शंकर भी थानू दिखाया जे वह भी नैशनल हाईवे है बिल्कुल शहर के विचकार, तो सरकार के दावे कुछ ने और सच्चाई जमीनी हकीकत कुछ है। रमनीक मोंगिया, नैशनल बस लई हुशियारपुर तो। हमारे इस सर्वे का मकसद किसी भी पार्टी और उनके नेताओं के मान सम्मान को ठेस पहुँचाना नहीं है, केवल जमीन से जुड़ी उस हकीकत को आपके सामने लाना है। अब फैसला आपका है कि आने वाले चुनावों में किसके सिर पर जीत का ताज देखना चाहते हैं, क्योंकि आपकी वोट ही आपकी आवाज़ है।